Welcome back in VPS broadcast. Today we will learn another type of present tense, that is present perfect continuous tense. So my dear students, सबसे पहले हम समझेंगे present perfect continuous tense होता क्या है, उसके बाद इसके सारे के सारे structures समझेंगे. सबसे पहले हम कुछ examples समझेंगे present perfect continuous tense के. जैसे कि present continuous मैंने आपको बताया था जिसमें कोई काम कोई action चल रही है, मैं खाना खा रहा हूं, तो ये आपका सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का. लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, अंतर समझिए, मैं खाना खा रहा हूं, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस. और अगर मैं कहूं मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. मतलब कि जो परफेक्ट हम बोल रहे हैं वो टाइम के लिए बोल रहे हैं, कोई टाइम हो चुका है जिसमें हम टाइम का जिक्र करें और कोई एक्टिविटी चल रही है, तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा. और अगर कोई एक्टिविटी चल रही है लेकिन टाइम मेंशन नहीं है तो वहां पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा. देखिए, अगर किसी वाक्य के अंत में किसी समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होगा. अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद has या have यानी कि helping verb, then been, फिर उसके बाद verb के साथ ing, object, उसके बाद sincere for और then time. स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा. दो बातें आपको ध्यान रखना है, कहां पर सिंस का यूज करना है, कहां पर फॉर का यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूं. जो बिगिनर्स हैं इस क्लास में उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगले 1 मिनट तक बहुत ध्यान से समझिए वीडियो, तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आसानी से समझ में आ पाएगा. देखिए, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम आए, मतलब कि कोई डेफिनेट या निश्चित समय हो, तब वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे. और अगर कोई इनडेफिनेट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आए, अनिश्चित समय आए, तब वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे. सिंस का प्रयोग आप करेंगे एएम, पीएम, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, 1994, मतलब कोई पर्टिकुलर ईयर की बात हो तब वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे. मॉर्निंग, इवनिंग, कोई सीजन का नेम हो, विंटर, समर, रेनिंग, चाइल्डहुड. और उसके बाद आप फॉर का यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, देन नंबर ऑफ ईयर्स. देखिए, सिंस और फॉर के डिफरेंस को आसानी से समझने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा. अगर किसी टाइम पीरियड को आप दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकें तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे, और किसी टाइम पीरियड को आप दूसरी यूनिट में डिवाइड नहीं करेंगे तो वहां पर आपका सिंस का यूज होगा. किस तरह से, देखिए, अगर मैं कहूँ डेज, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, वन डे बोल दूं या 24 आवर्स बोल दूं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर का. और अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर डे का नेम बताऊं, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे. हम मंडे को डिवाइड नहीं कर सकते, मंडे मंडे रहेगा. इसी तरह से जनवरी, मंथ की बात हो तो मंथ को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, डेज में. लेकिन अगर मैं बोलूं जनवरी, नेम ऑफ डेज आए, तब वहां पर आपको सिंस का यूज करना है. आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारे बारे में सुबह से सोच रहा हूं. शी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से लिख रही है. बात समझिए, यहां पर सिंस और फॉर, मैंने मॉर्निंग की बात की तब वहां पर लगाया सिंस, और मैंने आवर्स की बात की यहां पर मैंने लगाया फॉर. यहां पर मिनट्स भी लिख सकता हूं मैं. She has been writing for 120 minutes. बात समझ में आ रही है? They have been playing cricket since Monday. टेस्ट क्रिकेट में होता था, 3-3 दिन तक क्रिकेट चलते थे, तो वहां पर हम क्या बोलते थे कि वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के ले लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिर्फ नॉट लगाना है बीन के पहले, बाकी स्ट्रक्चर आपका जैसा का तैसा रहेगा. सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद
time. She has not been working here since 1994. वो 1994 से यहाँ पर काम नहीं कर रही है, बात समझिएगा। मैंने पर्टिकुलर ईयर बताया है, इसीलिए हमने सिंस का यूज किया। वी हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 months. हम 2 महीने से नहीं पढ़ा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, देन टाइम। हैज ही बीन टीचिंग देयर सिंस 2002? क्या वह यहाँ पे 2002 से पढ़ा रहा है? Have we been searching money for 20 minutes? क्या हम 20 मिनट से पैसे खोज रहे हैं? Have you been waiting for her since March? क्या तुम मार्च से उसका इंतजार कर रहे हो? Let's see another type of sentence of present perfect continuous tense. अब हम समझेंगे WH words के sentences कैसे बनाएंगे। Formula बहुत easy है, आपको helping verb के पहले WH words लगाना है, यानी कि what, where, who, whom, why, how, ये सारे words आप helping verb यानी कि has या have के पहले लगाएंगे, then subject, उसके बाद been, उसके बाद verb के साथ ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। देखिए बार बार आप समझिए कहां पर आपको सिंस लगाना है, कहां पर आपको फॉर लगाना है। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप बनाएंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप लिखेंगे, आप उतनी जल्दी इनका यूज समझ पाएंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक बात और आपको याद रखना होगा, अगर लास्ट, फर्स्ट या नेक्स्ट ये वर्ड्स आते हैं और उसके बाद आवर्स आए, मिनट्स आए, डेज आए, मंथ्स आए, तो आपको वहां पर लास्ट, फर्स्ट या नेक्स्ट के पहले सिंस का यूज करना है। क्यों? क्योंकि अब जो आपकी यूनिट है, अब जो आपका टाइम है, वो इंडेफिनेट नहीं रहा, वो अब आपका फिक्स हो गया। मतलब कि लास्ट आवर, पिछला घंटा, पिछले घंटे, पिछले महीने, सेंस समझिएगा। Why have you been running since last 1 hour? तुम पिछले घंटे से क्यों दौड़ रहे हो? Why has Mohan been coming to school for 2 days? मोहन 2 दिनों से स्कूल क्यों आ रहा है? Okay, so my dear students, I hope you have understood very well this lecture. We are going to stop this lecture here and you have to make more and more sentences of present perfect continuous tense. Thanks for watching my video. If you haven't subscribed our channel, so please subscribe our channel and press the bell icon.